Hello viewers, welcome to my channel Highway Guide. आज हम लोग fine aggregate की bulk density और air weights as per IS 2386 par 4 के हिसाब से कैसे निकालेंगे इसको हम लोग देखेंगे. bulk density को generally आम भाषा में mass upon volume के हिसाब से जाना जाता है. बल डेंसिटी डिपेंड करती है कि कैसे मटेरियल को पैक किया गया है. बल डेंसिटी का प्रयोग मास से वॉल्यूम में या वॉल्यूम से मास में जब कन्वर्ट किया जाता है, ड्राई वॉल्यूम एग्रीगेट हम लोग निकालते हैं उस समय इसको यूज करते हैं. बल डेंसिटी के लिए वैट्स, एयर वैट्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है. अगर एयर वैट्स कम रहेगा तो बल डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, और एयर वैट्स ज़्यादा रहेगा तो बल डेंसिटी कम होगी. तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रोसीजर देखते हैं. फाइन एग्रीगेट की डेंसिटी कैसे निकालते हैं? फाइन एग्रीगेट की डेंसिटी जो 4.75 mm एग्रीगेट है या उससे कम के लिए 3 लीटर का हम लोग बास्केट यूज करते हैं. तो इसका डाया है हमारा 15 सेंटीमीटर, वो देख लेते हैं, थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं, और डेप्थ है 17 सेंटीमीटर. ठीक है, अभी इसका हम लोग वेट करते हैं तो टेयर कर लेते हैं. अभी हमने ये टेयर कर लिया, अब इसमें हम लोग भरेंगे. हमारे पास ये रॉड है जिससे हम लोग रॉडिंग करेंगे, उसका डाया 16 mm है और लेंथ 30 सेंटीमीटर है. ये हम लोग लूज बल डेंसिटी निकाल रहे हैं. ये जोन 1 की सैंड है, इसकी थोड़ी डेंसिटी ज्यादा आती है. ये हो गया, अब इसका हम लोग वेट ले लेते हैं. वेट आ गया 5.216 kg. तो हमने लिख लिया 5.216 kg. अब वॉल्यूम है इसका 3 लीटर है, तो 3 लीटर लिख दिया. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हमारा है 5.216, तो 5.216 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3. अभी कितना आता है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ये आ गया 1.739. लो अभी बल डेंसिटी रॉडेड बल डेंसिटी निकालते हैं इसकी. इसको 3 बार भरेंगे. हर बार 25 स्ट्रोक लगाएंगे. इसको बराबर कर लेते हैं. और इसका वेट ले लेते हैं.
वेट आ गया 5.571, इसको लिख लेते हैं, वेट आ गया 5.571, वॉल्यूम 3 लीटर है, 3 लीटर, तो डेंसिटी हो जाएगी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मास आपका 5.571 है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 3, ये आ गया 1.857 केजी पर लीटर। अभी हमको वाइट्स इन फाइन एग्रीगेट निकालना है, तो उसके लिए हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने निकाली है पहले सैंड की, वो देखते हैं कितना आई है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने पहले निकाली है सैंड की, वो आई है 2.684। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाइट्स निकालने के लिए क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड इनटू 100। तो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड क्या है, 2.684 माइनस लूज बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 2.684 इंटू 100। अभी कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। कितना आया, ये आया 35.209, तो आ गया 35.209% तो हमने क्या किया था, पहले हमने क्या किया, लूज बल्क डेंसिटी निकालने के लिए पहले मास लिया 5.216 केजी, फिर वॉल्यूम था हमारा 3 लीटर, फिर हमने डेंसिटी निकाला मास अपॉन वॉल्यूम, 5.216 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1.739 केजी पर लीटर। फिर हमने क्या किया, रॉडेड बल्क डेंसिटी निकाला, मास आया था हमारा 5.571, वॉल्यूम आया था 3 लीटर, और डेंसिटी हमने निकाली मास अपॉन वॉल्यूम 5.571 डिवाइडेड बाय 3, तो आ गया हमारा 1.857 केजी पर लीटर। अब हमको निकालना था वैट्स इन फाइन एग्रीगेट, तो स्पेस क्या होता है, इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड माइनस लूज बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड इनटू 100। तो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.684 और लूज बल्क डेंसिटी है 1.739 डिवाइडेड बाय 2.684 इनटू 100, आ गया 35.209%। तो आशा करता हूँ आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।